आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए हैं वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें दो हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो ये टोली बैठती है उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई है। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं, सदन में कोई गलती ना हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत ना हो जाए, उसके लिए वो चौकन्ने रहते हैं। जो काम इनके द्वारा हुआ है उसने भी सदन के क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, सदन मतलब ये खंड ही नहीं है, इस पूरे परिसर में अनेक लोगों ने, किसी ने हमें चाय पिलाई होगी, किसी ने पानी पिलाया होगा, किसी ने रात रात चली हुई सदन को, किसी को भूखा पेट रहने नहीं दिया होगा, कई प्रकार की सेवाएं की होगी। किसी ने माली ने इसके बाहर के एनवायरनमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी, न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके और यहां जो काम हो वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो, उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिस जिस ने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं, तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में
कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई, और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तब वही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे, और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर की भी पहुंचाते थे। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों को लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती, कान से सुनी होती है, जो अचरज करने वाली होती है। एक प्रकार से जैसी ताकत यहां की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है, और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज कई पत्रकार बंधुओं के जो रहे नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावुक पल है, मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावुक पल होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहा है। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों की तो हमसे भी सब है, उन्होंने काम किया होगा। आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए योगदान देने के भी याद करने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन के अंदर आते हैं, हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है, हमारे शास्त्रों में माना गया है, किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय में उच्चारण होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है, उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं। नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित कर देती है। मैं मानता हूं यह सदन भी उस 7,500 जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार जो शब्द गूंजे हैं, जो वाणी यहां गूंजी है, उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें, लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। एक जागृत जगह बन जाती है, और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहां देखने के लिए भी आएगा, तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहां पर गूंजती थी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती है।